गुलबर्गा शहर की सियासत में नया ट्विस्ट आया है, जिसके लिए मुस्लिम चौक पर पटाखे उड़ाकर लोगों को जश्न मनाते देखा गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ को दोबारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। मुस्लिम चौक के रहवासी और मजलिस के कारकुनान खुशी का इजहार कर मिर्ची सेठ को मुबारकबाद देते नजर आए हैं। अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ पहले भी मजलिस के सदर रह चुके हैं, पर कुछ लोकल सियासी नाराजगी की वजह से मिर्ची सेठ ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अहदे से इस्तीफा दिया था। मिर्ची सेठ के इस्तीफा देने के बाद काफ़ी तब्दीलियां आई थी, पर अचानक हैदराबाद के दारुसलाम में दोबारा असदुद्दीन अवैसी के हाथों मिर्ची सेठ को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का सदर बनाया गया है। मिर्ची सेठ साहब, आज अचानक आप मजलिस में फिर से वापसी आपकी देखने को मिल रही है, क्या वजह है इसका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले गुलबर्गा एयरलाइंस का मैं उनके व्यूअर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम मजलिस में जाने की ये वजह है कि हम जब से होश संभाले हैं, जब से ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई तमाम पार्टियों को सेकुलर बोल रहे हैं, अपने आप को कोई सेकुलर बोल रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे सेकुलर का, तो हमें एक चीज़ नज़र आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, हुकूक़ की लड़ाई लड़ने वाली एक ही पार्टी समझ में आई हमें। पहले से भी आप जब से मजलिस में, जब से यही कहते आते हैं कि मजलिस एक ही वाहिद पार्टी है जो आवाज़ उठाती है, फिर अचानक पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी आप? पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? हमारे अंदरूनी इख्तलाफ थे, जो हमारे साथ जो जुड़े हुए थे लोग, उनके साथ अंदरूनी इख्तलाफ थे, इसलिए हम वो लोग पार्टी को संभालन दे बोलकर हम बाजू आ गए थे। पार्टी पूरी छोड़े नहीं थे, पोस्ट से इस्तीफ़ा दिए थे, पार्टी का ओहदे से इस्तीफ़ा दिए थे। अभी आप फिर से वापसी जो आपकी हुई है, इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसके बाद नक़ीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर एक मरतबा मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी देकर हमें विश्वास में रख कर हमें इतना बड़ा समझ कर जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी दी, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त उन्होंने जैसी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिए हैं, दो कदम आगे बढ़कर हम उस काम को अंजाम देंगे। असेंबली इलेक्शन में क्या रोल अदा करेगी मजलिस इस बार? इंशाल्लाह अभी सदर साहब का तो वादा है कि असेंबली में तमाम जगह कैंडिडेट ठहरा करेंगे। हम कहीं ठहरा करने से कभी नहीं डरते, ना हार से डरते। हार जीत मुकद्दर का फैसला, नसीब का फैसला है, वो तो हार और जीत लगी हुई है। ये तो खेल में हार जीत जब तक नहीं होंगी, आदमी को सफलता नहीं मिलेंगे, तो हम उसके लिए डरते नहीं। हम हर जगह ठहरा करने का इरादा है, इंशाल्लाह ठहरा करेंगे। अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब फिर एक बार गुलबर्गा शहर के, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज गुलबर्गा हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद नक़ीबे मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ कौसर मोहिनुद्दीन उनका MLA कारवान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कॉरपोरेटर सलीम साहब, मुबीन साहब, तमाम MIM की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब से अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ MIM से, यहाँ के लोगों से, पार्टी के लोगों से नाराज़ होकर जो चले गए थे, उसके सेकेंड दिन से हमारी पूरी टीम अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ को मनाने में लग गई थी। हमने पूरी कोशिश की, क्योंकि जब अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के रूप पे वो अहदे पे मौजूद थे, तो पूरा शहर गुलबर्गा जानता है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन तरक्की कर रही थी, लोग जुड़ रहे थे। अचानक अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ का एक फैसला आता है, वो पार्टी के पोस्ट से रिज़ाइन देते हैं, उसके बाद पार्टी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। उसको देखते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुनान, तमाम मेंबर, तमाम जिम्मेदारान अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ से मुलाकात कर रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो इस्तीफ़ा दे चुके थे, पार्टी के जो अहदेदारान हैं हैदराबाद के हमारे, उन्होंने उस इस्तीफे को कबूल नहीं किया था। वो चाह रहे थे कि अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ फिर एक बार MIM में आए। रहीम सेठ आज हैदराबाद गए, वहाँ से असद साहब के साथ घंटों उनकी बात हुई, गुफ्तगू हुई, फिर असद साहब ने रहीम मिर्ची सेठ को मनाया, मिर्ची सेठ ने फिर एक बार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। उसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख चुके हैं कि मुस्लिम चौक पर फिर एक बार रौनक आई है। वो पतंग में जो मांझा जो
चलाते हैं, जो पतंग सामने वाले की काटनी होती है उसकी धार एमएम में वापस आ चुकी है। इंशाल्लाह एमएम के सामने जितने भी लोग होंगे उनके काट के नीचे गिराने का काम पूरी एमएम की टीम करेगी। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम में रहीम मिर्ची सेठ साहब फिर एक बार एमआईएम में आकर एमआईएम को मजबूत करने का काम किए हैं। जिस तरीके से, जैसे कि हमारे दोस्त अजीम साहब ने बताया कि रहीम मिर्ची साहब इस्तीफ़ा देने के बाद जिस तरीके से एमआईएम का गुलबर्गा शहर में जो कंडीशन, जो माहौल था वो उस तरीके का नहीं था जब रहीम मिर्ची साहब एमआईएम में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर रहीम मिर्ची साहब को दारुसलाम बुलाया, वहाँ पे गुफ्तगू हुई, वहाँ पे बुलाकर उनको फिर कल्याण कर्नाटका के इंचार्ज बनाया। तो इंचार्ज बनाने के बाद वो जो जिम्मेदारी थी, जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहीम मिर्ची सेठ साहब के कंधों पर डाली। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके काम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इनके काम को लोगों का काम और लोगों का काम करने के लिए इनमें और जज्बा दे। मैं सबसे पहले हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ को घर वापसी पर और साथ ही साथ गुलबर्गा के नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुनक्किद होने पर उन्हें दिल के गहराइयों से मेरे पूरी टीम की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जिस तरह से गुलबर्गा में एमआईएम का जिस तरह से काम चल रहा था सुस्त रफ्तार से, उसको चुस्त रफ्तार में और आने वाले दिनों में जिस तरह से हमें लड़ाई लड़ना है, हमारे मिली मसाइल को लेकर, तमाम कामों को लेकर चलने की बात है, ये तमाम चीज़ों को लेकर चलने की बात है। ख़ास तौर पे गुलबर्गा शहर के हालात, डिस्ट्रिक्ट के हालात जिस तरह से ख़राब होते जा रहे हैं, इस तरह से एमआईएम की यहाँ की मौजूदगी या उनकी जिम्मेदारी जिस तरह से हम निभाना है, तो इंशाल्लाह अब डर की बात नहीं है। हाजी अब्दुल रहीम सेठ एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वो खूब जानते हैं कि हालात को किस तरह से काबू में लाएँ और यहाँ के अमन अमान और शांति को कैसा बरकरार रखें, उसके बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं पूरे गुलबर्गा के जितने भी एमआईएम के शेर हैं, मैं समझता हूँ ये अब हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ के खंदे को खंदा लगा के इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कौम मिल्लत की हर मुमकिन कोशिश करते हुए उनकी खिदमत करने की कोशिश